तो क्या हाल है दोस्तों, भाई और जिगरी यार हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल के बारे में। तो ये चैनल मुझे 2018 में मिला था। जब मैंने इस चैनल को देखा था ना, तो पहले ही मैं समझ गया था कि हाँ, ये चैनल वैल्यूबल चैनल है। और राहुल जी ऐसे ऐसे गेम्स की न्यूज़ लाते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे, ऐसी ऐसी चीज़ बताते थे जो किसी को उस टाइम पता भी नहीं था। 2018 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तब उन्होंने ये चैनल स्टार्ट किया था और मैंने उनको देख के स्टार्ट किया था। और मैं मान के चल रहा हूँ कि बाकी जब पबजी आया था ना, पबजी मोबाइल आया था, तो सारे के सारे जने पबजी पे शिफ्ट हो रहे थे पबजी मोबाइल की तरफ। कोई एमुलेटर पे खेल रहा था, कोई कैसे खेल रहा था, मतलब ज़्यादातर वो सोच रहे थे कि इससे हम सब्सक्राइबर गेन करेंगे। पर राहुल जी ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने अपना जो उनका गेमिंग का पैशन था उसी चीज़ को फॉलो करा। और ये काफ़ी अंडररेटेड चैनल है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे गेम्स खेलते हैं। इनको स्टोरी मोड गेम्स खेलता है मेरी तरह, मुझे भी स्टोरी मोड गेम्स बहुत पसंद है। और ये लगभग सारे गेम्स खेलते हैं, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो स्टोरी मोड गेम्स को पुश करता है ना। अब जैसे आज लगा लो कि आज ब्लैक मिथ वुकोंग लॉन्च हुई और सब खेल रहे हैं, मुझे अच्छी ये चीज़ अच्छी लगी मुझे बात कि हाँ, इंडिया में स्टोरी मोड गेम रिकॉग्नाइज हो रही है, कि हाँ लोग खेल रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि स्टोरी मोड गेम्स जैसी भी कोई चीज़ होती है। नहीं तो पहले तो लोग सिर्फ GTA 5, वैलोरेंट, माइनक्राफ्ट, ऐसे वैलोरेंट, बस इन्हीं में, पबजी इन्हीं में लगे रहते थे बस। उनको कुछ पता ही नहीं था कि और गेम्स भी होती हैं ऐसे ग्राफिक्स वाली। तो मैंने इनका चैनल देखा, मुझे समझ में आया कि हाँ, इनके गेम में, इनके चैनल में पोटेंशियल है, और ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और अभी भी वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, पर ये है कि लोग उन्हें इतना वो नहीं कर रहे, सब्सक्राइब वो नहीं कर रहे, पुश नहीं दे रहे उनका। पर उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, मैं देखता हूँ, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा फनी भी है, थोड़ा अच्छा भी है, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनको और ऐसे आगे और वीडियोस डालनी चाहिए, उन्हें रुकना नहीं चाहिए और आगे वीडियोस डालनी चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि भाई तू तो सब्सक्राइबर के लिए नमोकार गेमिंग वर्ल्ड। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं पहले भी कर सकता था जब मुझे उनका चैनल पता था, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका चैनल को मैं बूस्ट, मतलब कि रिकॉग्नाइज करो, मतलब देखो समझो कि वो क्या क्या पुट कर रहे हैं अपने चैनल पे, कैसी कैसी न्यूज़ दे रहे हैं। मानता हूँ अभी उनको थोड़े से वो भी हैं, अप डाउन, उनको डिमोटिवेट भी फील होता है कि भाई कि मुझे बंद कर देना चाहिए चैनल पर। मैं उनको यही कहूँगा कि भाई उन्हें बंद नहीं करना चाहिए चैनल, आगे बढ़ता रहना चाहिए। अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि स्टोरी मोड गेम जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो उन्हें बंद नहीं करना चाहिए चैनल अपना, स्टार्ट करना है, बिल्कुल आगे तक लेके जाना चाहिए अपना चैनल। और उनका चैनल 100% ग्रो करेगा, आप देख लेना, जरूर ग्रो करेगा। अभी क्या है, धीरे धीरे लोगों को स्टोरी मोड गेम्स के बारे में पता लगना स्टार्ट हुआ ही है। पहले इतना नहीं पता था, जब मैंने भी स्टार्ट करा था तब मैं भी वीडियो डालता था, मैं भी हार गया था। 5 साल तक मैंने वीडियो डाली, मतलब पाँच साल पहले तक मैंने वीडियो डाली, उसके बाद बंद कर दी। कुछ और काम आ गया फैमिली इशू की वजह से, मैंने चैनल इतना पे ध्यान नहीं दिया, मैंने चैनल पे बिल्कुल वीडियोस डालनी बंद कर, मैं भी डिमोटिवेट हो गया था, तो मैंने चैनल पे वीडियोस डालनी बंद कर दी थी। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप उनके चैनल को देखो, उनके चैनल पे कंटेंट देखो, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, आप देखो एक बार समझो। थैंक यू गाइस।